7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऋषिकेश दौरा। पीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां की पूरी। एम्स के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत। एम्स में हर आने जाने वालों पर रखी जा रही कड़ी नजर। केदारनाथ धाम में सीएम ने पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का किया स्थलीय निरीक्षण। सीएम के दौरे पर विपक्ष ने उठाए सवाल। प्रदेश में हिंसा करने पर लगेगी रासुका। 3 महीने के लिए बढ़ाया गया समय। हिंसात्मक घटनाओं को लेकर सरकार ने जारी किए रासुका लगाने के आदेश। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी। प्रदेश के बिजली कर्मियों की हड़ताल का ऐलान। 6 अक्टूबर से हड़ताल पर रहेंगे प्रदेश के बिजली कर्मी। ऑल इंडिया इंजीनियरिंग फेडरेशन ने भी किया समर्थन। सरकार के सामने रखी 14 सूत्रीय मांग। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। यात्रा पर अब असीमित संख्या में जा सकेंगे श्रद्धालु। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कोर्ट का जताया आभार। तीर्थ पुरोहितों ने भी जताई खुशी। 4 धाम यात्रा में यात्रियों को निर्धारित संख्या की रोक हटने के बाद तीर्थ पुरोहितों में खुशी। स्थानीय लोगों और तीर्थ पुरोहितों ने हाईकोर्ट का जताया आभार। कहा अब यात्रा सुचारू रूप से चल सकेगी। 4 धाम यात्रा के लिए फिर से शुरू होगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। 6 अक्टूबर से फिर होंगे आगे के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। 15 अक्टूबर तक फुल थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए आधार कार्ड जरूरी। तेजी से चल रहा शंकराचार्य की समाधि स्थल का काम अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक पूरा होगा। काम पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल। समाधि स्थल वहां पे बन रहा है, उस पर युद्ध स्तर से काम चल रहा है। जैसा कि आप स्वयं कह रहे हैं मूर्ति भी वहां पे पहुंच गई है। तो हमारी जो प्रयास है वो ये है कि इस माह के अंत तक अक्टूबर के अंत तक उसका समाधि का जो है कार्य पूर्ण कर लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया केदारनाथ का दौरा। सुबह सुबह केदारनाथ मंदिर में किए दर्शन। मंदिर में सीएम ने पूजा अर्चना की। यहां भाजपा कार्यकर्ता और देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारियों ने सीएम का स्वागत किया। लखीमपुर कांड के वायरल वीडियो पर भाजपा सांसद वरुण गांधी का ट्वीट। कहा ये वीडियो किसी की भी आत्मा को झकझोर कर रख देगा। पुलिस इस वीडियो पर संज्ञान लेकर एक्शन ले। प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने लखीमपुर खीरी मुद्दे पर हो रही सियासत को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। कहा विपक्ष ने पूरी कोशिश की प्रदेश में दंगा हो और माहौल बिगड़े। मेरठ में सपा कार्यकर्ता के पास से पेट्रोल की बोतलें और ज्वलनशील पदार्थ बरामद। हंगामे और उपद्रव के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। जिले में अब तक 19 सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बहराइच के 2 मृतकों का अभी तक नहीं हुआ अंतिम संस्कार। परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से किया इनकार। परिजनों की मांग पहले मिले पोस्टमार्टम रिपोर्ट। देश में पिछले 24 घंटों में 18,346 नए कोरोना केस दर्ज। 209 दिन बाद सबसे कम मामले आए सामने। बीते दिन 263 लोगों की मौत। 29,639 लोग ठीक। केरल में 8,850 नए मामले दर्ज। 149 मरीजों की मौत। देश में एक दिन में कोरोना वैक्सीन की 72,51,419 डोज दी गई, जिसके बाद वैक्सीनेशन का आंकड़ा बढ़कर 91,54,65,826 हो गया। ICMR के मुताबिक 24 घंटे में 11,41,642 सैंपल टेस्ट किए गए। टोटल टेस्टिंग हुई 57,53,94,042। देश में कोरोना के एक्टिव केस 2,92,902 है। अब तक कोरोना के 3,38,53,048 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना से 4,49,260 लोग की मौत हो चुकी है, जबकि 3,31,50,846 लोग ठीक भी हो चुके हैं।